हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों का EPFO स्टेनोग्राफर का जो है कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है स्टेज वन का। जैसे ही स्टेज वन का रिजल्ट आता है, उसमें मार्क्स और कट ऑफ वगैरह कुछ भी शो नहीं हुआ था। उसके बाद आप सभी लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे आप सभी लोगों को कट ऑफ को लेकर। नॉर्मलाइजेशन किस नंबर पर, किस बेसिस पर होगा, सब कुछ डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोग बता दूँ, आज हम लोग कवर करेंगे एग्जाम पैटर्न, वैकेंसीज और फिर स्टेट वाइज वेटेज कितना रहेगा, उसके बाद सेक्शनल स्कोर कितना रहेगा आप सभी लोगों का, सेक्शनल कट ऑफ कितना रहेगा, नॉर्मलाइज मार्क्स क्या रहेगा आप सभी लोगों का EPFO स्टेनोग्राफर का, उसके बाद फाइनल कट ऑफ एंड देन स्टेज टू का प्रोसेस क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कि इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप सभी लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप लोग देख सकते हैं। 800 नंबर का जो है कि पूरा आप सभी लोगों का पेपर हुआ था। इसमें 200 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, नेगेटिव मार्किंग 1/4 था। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें इंग्लिश के 100 क्वेश्चन थे और जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के 50 क्वेश्चन और GS के 50 क्वेश्चन थे, 200 नंबर की, ठीक है। और हम लोग बात करें वैकेंसी की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, आप सभी लोगों का जो वैकेंसी है 185 वैकेंसी आई हुई है और इसके 10 गुना बच्चे का जो है कि रिजल्ट आया हुआ है। इसमें UR का 74 पोस्ट है, EWS का 19 पोस्ट है, SC का 28 पोस्ट है, ST का 14 पोस्ट है और OBC NCL का 50 पोस्ट है। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि सेक्शनल स्कोर कितना जाएगा जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। अगर हम लोग सेक्शनल स्कोर की बात करें तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, आप सभी लोगों का जो पेपर हुआ था वो 200 नंबर का हुआ था, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। अगर हम लोग जनरल के सेक्शनल स्कोर की बात करें तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों का जो सेक्शनल स्कोर रहेगा वो रहेगा 75 to 80 नंबर्स, ठीक है। EWS की बात करें तो 60 to 70 नंबर्स रहेगा। OBC की अगर हम लोग बात करें तो 70 to 80 नंबर रहेगा। SC का आप सभी लोगों का 50 से 60 नंबर रहेगा और ST का आप सभी लोगों का 45 से 50 नंबर रहेगा। ये था आप सभी लोगों का जनरल अवेयरनेस का सेक्शनल स्कोर। आगे हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स के सेक्शनल स्कोर की, तो मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो भी आप सभी लोगों का 200 नंबर का हुआ था। बट अगर हम लोग इसके सेक्शनल स्कोर की बात करें जनरल की, UR की, तो मैं आप सभी बता दूँ, आप सभी लोगों का 80 से 90 नंबर के बीच में रहेगा। EWS का मैं आप सभी लोग बता दूँ, 70 से 80 नंबर के बीच में रहेगा। OBC का आप सभी लोगों का 75 से 80 नंबर के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। और SC का आप सभी लोगों का 60 से 70 नंबर, ST का 55 से 60 नंबर। ये ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड है, इसके आसपास भी रह सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी कट ऑफ प्रिडिक्ट किए हैं एनालिसिस करके, उसके आसपास, उसके अराउंड ही आप सभी लोगों का कट ऑफ या फिर सेक्शनल स्कोर रहता है। तो जिनका अगर इससे एक दो नंबर कम है, एक दो नंबर ज़्यादा है, तो वो लोग टेंशन ना लें, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है आप सभी लोगों का इंग्लिश का, कि इंग्लिश का सेक्शनल स्कोर कितना जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, आप सभी लोगों का जो पेपर है वो 400 नंबर का हुआ था, 100 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। अगर हम लोग बात करें जनरल की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, जनरल का जो कट ऑफ है वो यानी कि सेक्शनल स्कोर है इंग्लिश का 120 से 130 नंबर के बीच में जाएगा। EWS का जो है कि 105 से 110 नंबर के बीच में जाएगा। OBC का आप सभी लोगों का 110 से 120 नंबर के बीच में जाएगा। SC का 90 से 100 के बीच में जाएगा और ST का 70 से 80 नंबर के बीच में जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर ठीक ठाक था, आप लोगों का पेपर भी अच्छा गया था और ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसका पेपर अगर देखें तो मॉडरेट टू टफ लेवल का था और क्वेश्चन बना था और बनाया था स्टूडेंट्स ने, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि अब सेक्शनल कट ऑफ कितना जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर हम लोग सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 40%, ठीक है। अगर आप लोग 200 का 40% निकालते हैं तो वही 80 नंबर के अराउंड आता है। तो हम लोग 80 या फिर 70 से 80 को लेकर चलते हैं, ठीक है। जनरल का अगर हम लोग देखें तो 70 से 80 नंबर के बीच में आप सभी लोगों का सेक्शनल कट ऑफ रहेगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। EWS का आप सभी लोगों का 60 से 65 नंबर के बीच में रहेगा। OBC का आप सभी लोगों का 65 से 70 नंबर के बीच में रहेगा और SC का आप सभी लोगों का 50 से 60 नंबर के बीच में रहेगा। ST का आप सभी लोगों का 45 से 50 नंबर के बीच में जो है कि सेक्शनल कट ऑफ रहने वाला है मैथमेटिक्स का। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि जो मैंने ये कट ऑफ बताए हैं ये ज़्यादा है, तो एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, एक सीट के ऊपर 10 बच्चे फाइट करेंगे, ठीक है। एक सीट के ऊपर 10 बच्चे फाइट करेंगे, उसके हिसाब से कट ऑफ आप सभी लोगों का प्रेडिक्ट किया गया है। इसके आसपास आप सभी लोगों का कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बता दिया है उतना ही आएगा। आगे बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस की मैं अगर बात करूँ तो आप सभी लोगों का 200 नंबर के पेपर हुआ था, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, ठीक है।
और अगर हम लोग बात करें जनरल का, तो आप सभी लोगों का जनरल का जो है कि 50 से 60 नंबर के बीच में रहेगा। AWS का 40 से 50 नंबर के बीच में रहेगा। OBC का आप सभी लोगों का 45 से 50 नंबर के बीच में देखने को मिलेगा। SC का 35 से 40 नंबर और ST का 30 से 40 नंबर के बीच में आप सभी लोगों को जनरल अवेयरनेस का सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो जितने सेक्शनल कट ऑफ मैंने आप सभी लोगों को बताए हैं प्रेडिक्टेड हैं और इसके आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है आप सभी लोगों का इंग्लिश। तो देखिए अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो आप सभी लोगों का इंग्लिश का जो पेपर है वो 400 नंबर का हुआ था, ठीक है। अगर इसके अगर हम लोग सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों का UR का यानी कि जनरल का जो है कि 150 से 160 के बीच में रहेगा। EWS का 140 से 50 के बीच में रहेगा और OBC का 145 से 150 के बीच में रहेगा। SC का 120 से 130 नंबर के बीच में रहेगा और ST का आप सभी लोगों का जो है कि 110 से 120 नंबर के बीच में देखने को मिलेगा इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। ये सारे सेक्शनल कट ऑफ जो मैंने बताए हैं प्रेडिक्टेड हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। अगर जैसे ही आप लोग का लास्ट में बताया जाएगा कट ऑफ वगैरह तो आप लोग दिखेगा इसी के अराउंड आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इसके आसपास भी हो तो आप लोग टेंशन ना लें। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि जिन लोगों का अगर रिजल्ट में नाम है तो उन लोगों को जो है कि स्किल टेस्ट के लिए कितना कट ऑफ रहेगा और स्किल टेस्ट के लिए कितना नंबर चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर हम लोग बात करें जनरल का तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, आप सभी लोगों का जनरल का जो कट ऑफ है 520 जाएगा। OBC का 510 जाएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। OBC का 510 जाएगा। EWS का जो है कि 490 जाएगा स्किल टेस्ट का कट ऑफ, ठीक है। SC का जो है कि 460 जाएगा और ST का जो है कि 450 नंबर रहेगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है स्किल टेस्ट में जो है कि वैकेंसी के 10 गुना बच्चे को बुलाया जा रहा है, ठीक है। और उसके हिसाब से मैंने जो है कि एनालिसिस करके आप सभी लोगों के लिए कट ऑफ लेके आया हूँ। अगर इसके आसपास भी आप सभी लोगों का है तो आप लोग टेंशन ना लें, हो जाएगा आप सभी लोगों का। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन अब होता कैसे है तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नॉर्मलाइजेशन का एक फैक्टर रहता है। वो फैक्टर ये है कि जितने शिफ्ट में आप सभी लोगों का एग्ज़ाम होगा उतना नॉर्मलाइजेशन का चांसेस बढ़ते चला जाएगा और उसमें फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज दोनों होंगे। क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, तीनों शिफ्ट का लेवल अलग अलग है। जिस शिफ्ट जोन सा शिफ्ट टफ रहेगा उसका शिफ्ट का जो है कि नंबर बढ़ेगा, जो शिफ्ट सिंपल रहता है उसका थोड़ा बहुत नंबर कमता है। अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मलाइजेशन के बाद सर हमारा कितना नंबर बढ़ जाएगा तो 10 से 15 नंबर या फिर 20 नंबर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अगर हम लोग नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखें तो जनरल का रहेगा आप सभी लोगों का 510, OBC का रहेगा आप सभी लोगों का 530, EWS का रहेगा 510, SC का रहेगा 480 और ST का रहेगा आप सभी लोगों का 470 नंबर, कितने में से 800 में से, ठीक है। ये रहेगा आप सभी लोगों का नॉर्मलाइज्ड स्कोर। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा सिलेक्शन के लिए। देखिए फाइनल कट ऑफ जो है, कट ऑफ के भी बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ वैकेंसी, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, कितने का सिलेक्शन हुआ, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था और शिफ्ट वाइज जब नॉर्मलाइजेशन होता है उसके हिसाब से, और फिर टाइमिंग कितना क्या रहा, उसके बाद जो है कि आप सभी लोगों का कट ऑफ निकल के आता है। अगर हम लोग बात करें जनरल का तो आप सभी लोगों का फाइनल कट ऑफ जाएगा आउट ऑफ 800 550 मार्क्स, ठीक है। OBC का रहेगा आप सभी लोगों का 540 नंबर, EWS का रहेगा 520 नंबर, SC का रहेगा आप सभी लोगों का 490 नंबर और ST का रहेगा 480 नंबर 800 में से, ठीक है। तो ये मैंने आप सभी लोगों को बता दिया फाइनल कट ऑफ। अब देखिए स्टेज टू में अब क्या होता है, तो स्टेज टू में जो है कि आप सभी लोगों का होगा स्किल टेस्ट। अब बात आती है कि सर होगा कब स्किल टेस्ट, रिजल्ट आ गया है आप सभी लोगों का स्टेज वन का। अब जो है कि 1 वीक के अंदर जो है कि आप सभी लोगों को एक नोटिस आएगा जिसमें आप सभी लोगों को लैंग्वेज सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आप सभी लोगों को डेट आएगा, उसके मुताबिक आप सभी लोगों का स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद जो है कि आप सभी लोगों को स्किल टेस्ट का डेट आएगा और 20 से 25 दिन का टाइम मिलेगा आप सभी लोगों को। वही अगर देखें अक्टूबर के 2nd वीक में आप सभी लोगों को स्किल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है तो वही आप सभी लोगों को टाइपिंग करना रहता है, ठीक है। और कंप्यूटर जो है कि डिक्टेशन वगैरह होता है, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होता है। 15 मिनट्स मिलता है इंग्लिश में और 65 मिनट्स मिलता है हिंदी के लिए। इसमें दोनों के अलग अलग फॉन्ट वगैरह रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो है कि क्वालिफाइंग नेचर का रहता है और इसमें जो है कि वैकेंसी के 10 गुना बच्चे को बुलाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कंपटीशन है इसमें भी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेट वाइज कितना क्या वेटेज रहेगा। देखिए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है क्योंकि
ये अगर देखें तो ऑफिस वाला जॉब है, ठीक है, और कंप्यूटर लेके बैठना रहता है। और दिल्ली में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिल्ली से हुआ है, 542 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 1871 में से, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो दिल्ली का कटऑफ आप सभी लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसके बाद बेंगलुरु का, ठीक है, और उसके बाद यूपी का, राजस्थान का, वेस्ट बंगाल का, मध्य प्रदेश का, ठीक है, झारखंड का, आंध्र प्रदेश का, इन स्टेट का जो है कि आप सभी लोगों को कटअप ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यहीं पर ज़्यादा मार होने वाला है, यानी कि कंपटीशन यहीं पर ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो में जितना हो सकता था और जितने आप सभी लोगों के क्वायरीज थे वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप सभी लोगों को कोई भी क्वायरीज है या फिर कोई डाउट है EPFO स्टेनोग्राफर को लेकर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।